A very fresh good morning to my lovely kids. I hope you all are fit and fine. Today is the turn of English subject and we will continue with our topic use of prepositions. Now let's do this worksheet in your English notebook. Fill the correct preposition in, on, under. First, the rabbit is dash the hat. रैबिट देखिए कहाँ पे हेड के अंदर है, बाहर है या फिर हेड के ऊपर है. रैबिट इज इन द हैट, कहाँ है, हैट के अंदर, तो क्या आएगा, इन द हैट. नेक्स्ट, द रैबिट इज डैश द टेबल. सेकंड में यहाँ पे देखिए रैबिट कहाँ पे, टेबल के नीचे, तो नीचे के लिए हम क्या यूज करते हैं, अंडर, U-N-D-E-R, under. The rabbit is under the table. Third, the ant is dash the bowl. तो ant, देखिए ध्यान से देखिए ant कहाँ पे है, bowl के अंदर, तो क्या आएगा, in. The ant is in the bowl. Next, the ant is dash the chair. ant देखिए chair के कहाँ है, नीचे, तो नीचे के लिए क्या use होता है, under. इसे कैसे बोलेंगे, ant is under the chair. last, the dog is dash the table. तो dog कहाँ, table के ऊपर, तो क्या आएगा, the dog is on the टेबल. ओके, तो लेट्स रिकैप वंस अगेन. इन, जब कोई चीज अंदर होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं, इन. जब कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है तो क्या यूज करते हैं, ऑन. एंड जब भी कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट के नीचे होती है तो हम क्या कहेंगे, अंडर. ओके, नाउ डू दिस वर्कशीट इन योर इंग्लिश नोटबुक एंड सेंड मी योर पिक्स. थैंक यू.